हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी एक प्रिंटेड बनारसी सिल्क की साड़ी का रीयूज़ आइडिया शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आपके आते रहते हैं कि प्रिंटेड साड़ी का रीयूज़ आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँ जो प्योर सिल्क में हो या बनारसी सिल्क में हो। तो चलिए फिर, आज मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। अगर आप थोड़ी बहुत भी कटिंग और स्टिचिंग जानते हो तो मैंने इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं कटिंग और स्टिचिंग की, जिसमें मैंने साड़ी से बहुत सारी ड्रेसेस बना के आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये रहा साड़ी का बॉर्डर, दोनों तरफ एक जैसा बॉर्डर है और सेंटर में आप देख सकते हो इस तरह का वीविंग का काम है। पूरी साड़ी में इसी तरह का वर्क आपको मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ये पर्पल कलर है साड़ी का, और ब्राउन और गोल्डन टाइप के जो है इसमें बॉर्डर्स हैं। दोनों तरफ एक ही चौड़ाई के बॉर्डर हैं। बहुत प्यारी साड़ी है, सॉफ्ट फैब्रिक है। कलर ऑप्शंस इसमें आपको खूब सारे मिल जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं इसमें। एक फिरोजी कलर है, वो भी बहुत ही प्यारा है, तो आप वो भी ले सकते हो। प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है, ऑनलाइन ही ये मैंने परचेज किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये रहा इसका पल्लू, पल्लू का भी यूज़ कर सकते हो आप अपनी ड्रेसेस में। तो चलिए देख लेते हैं इस तरह की साड़ी से किस तरह की ड्रेसेस हम बना सकते हैं। इस तरह का कुर्ता सेट आप बना सकते हो ऐसी साड़ी से। एक कुर्ता और साथ में आपका दुपट्टा बड़े आराम से निकल जाएगा साड़ी से। और सॉलिड कलर का आप फैब्रिक लेके, सिल्क में ही आप फैब्रिक ले सकते हो, तो उसका आप ट्राउज़र बना लें ऐसे। सेम आपका ऐसा कुर्ता सेट बन के तैयार हो जाएगा। विंटर्स के लिए इस तरह की ड्रेसेस बहुत अच्छी रहती हैं। नेकलाइन आप इस तरह की बना लें, नेकलाइन पे आप बटन्स की डिटेलिंग दें। आप बैंड वाला नेक बना सकते हो या फिर कॉलर वाला नेकलाइन जो है बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। अगर आप इस तरह के नेकलाइन नहीं पहनते हैं तो फिर आप राउंड शेप में या फिर हार्ट शेप में भी नेकलाइन बनवा लें और बटन्स की डिटेलिंग दें। पार्टी वेयर लुक देना है तो आप इस तरह की कुर्ती के साथ स्कर्ट कैरी कर सकते हो, या फिर कोई लूज प्लाजो है या अम्ब्रेला शेप में कटिंग करके आप प्लाजो बना सकते हो इस तरह की कुर्ती के साथ। जो साड़ी का फैब्रिक है वो ऐड कर सकते हो आप अपनी स्कर्ट में, या बॉर्डर जो आपकी साड़ी का बॉर्डर है वो आप अटैच कर लें अपनी स्कर्ट में या प्लाजो में। बहुत अच्छा लुक आएगा इस तरह से। नेक्स्ट आप ये देखिए, अगर आपकी साड़ी का फैब्रिक थोड़ा सा फ्लोई है या फिर सॉफ्ट है फैब्रिक, तो आप इस तरह की धोती सलवार बनवा लें, या फिर मतलब अलग स्टाइल में आप सलवार वगैरह बनवा लें और साथ में इस तरह की स्टाइलिश कुर्ती बन जाएगी। बहुत अच्छा सा आउटफिट आपका तैयार हो जाएगा। कुर्ती और स्लीव्स के ऊपर आपका बॉर्डर आ जाएगा, और आपकी जो सलवार है उसमें आप बॉर्डर अटैच ना करें। ऐसा एक दुपट्टा निकाल लें और साथ में एक ट्राउज़र या प्लाजो बनवा लें और साथ में आपकी कुर्ती बन जाएगी। आप या तो वेलवेट का फैब्रिक लेके कुर्ती बनवा लें, या फिर प्योर सिल्क में या सिल्क में फैब्रिक लेके इस तरह की कुर्ती बनवा सकते हो। चाहे तो ए शेप में या कलियों में भी कुर्ती बनवाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में अगर आपको बहुत ही सिंपल सा सोबर सा लुक देना है अपनी ड्रेस को, तो बॉर्डर्स वगैरह आप अटैच ना करवाएं कुर्ती में। आप कुर्ती में इस तरह से स्लिट भी दे सकते हो, बटन्स की डिटेलिंग दें, या फिर आप कलियों में कुर्ती बनवा लें, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। कंप्लीट अगर कुर्ता सेट भी आप बना लेते हो इस तरह की साड़ी से, बहुत अच्छा बनेगा। आप बॉर्डर्स वगैरह की डिटेलिंग नहीं देना चाहते हो तो बॉर्डर्स रिमूव करवा दें और बस जो आपका प्रिंट वाला फैब्रिक है उसका यूज़ करें आप कुर्ता सेट के लिए। दुपट्टा आप ऑर्गेंजा का या टिशू का लें, जिसमें हल्का फुल्का उसमें वर्क भी हो या सीक्वेंस वर्क हो, या फिर आप कोटे का काम करवा सकते हो या लेसिस वगैरह भी अटैच कर सकते हो, तो इस तरह का आउटफिट आप तैयार कर सकते हो। फ्रंट स्लिट में इस तरह का कुर्ता सेट बनवा लें, साथ में आपका ट्राउजर निकल जाएगा। ट्राउजर में आप बॉर्डर्स की डिटेलिंग ना दें और जो आपकी कुर्ती है उसमें आप बॉर्डर्स जो है अटैच करवा लें। अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर की विड्थ ज़्यादा तो उसको आप कट करके भी, रिमूव करके भी कम कर सकते हो। जैसे यहाँ दोनों साइड से आप कट करके या सेंटर से बॉर्डर को कट करके इस तरह से अंदर को फोल्ड कर लेंगे तो आपके बॉर्डर की जो विड्थ कम हो जाएगी, तो इस तरह से भी आप अटैच कर सकते हो। इस तरह का पैटर्न भी आप बनवा लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। कुर्ती में आपको बॉर्डर्स नहीं देने हैं, कुर्ती जो है आपकी बिल्कुल सिंपल रहेगी। आप नेक लाइन पे बॉर्डर्स या लेस की डिटेलिंग दे सकते हो, और दुपट्टे में आप बॉर्डर्स रखें। आपकी साड़ी में जो भी बॉर्डर है वो आप दुपट्टे में रखें, तो इस तरह का आउटफिट भी आपका तैयार हो जाएगा। ट्राउजर के लिए आप सॉलिड कलर में फैब्रिक ले लें, बॉर्डर्स को जो है आपस में अटैच करके इस तरह से आप नेक लाइन बनवाएं। इसी तरह से बॉर्डर्स की डिटेलिंग दें आप पल्ले पे, स्लीव्स के ऊपर, या फिर प्लाजो या ट्राउजर जो भी बना रहे हो उसमें भी आप बॉर्डर्स की डिटेलिंग दे सकते हो, तो इस तरह का एक आउटफिट तैयार हो जाएगा आपका। और दुपट्टा भी आपको सेम बॉर्डर्स में मिल जाता है बड़े आराम से। इस तरह का सिंपल सोबर और स्टाइलिश सा कुर्ता सेट भी बनवा लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नेकलाइन भी आपको सेम बनवानी है, इसी तरह से आप स्लीव्स बनवाएं। अगर आप स्लिम है तब तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये कुर्ता सेट।
अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो बस आप इस तरह का कुर्ता सेट बनवा लें। आपकी लाइनिंग का खर्चा होगा, 4 मीटर आपको लाइनिंग चाहिए होगी, और साथ में दुपट्टा, अगर आपके पास ऑलरेडी है प्लेन दुपट्टा तो वो भी आप साथ में कैरी कर सकते हो। तो बहुत ही कम खर्चे में आपके साड़ी का रीयूज़ हो जाएगा। हर तरह की साड़ी का रीयूज़ करके दिखाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपके साथ इस तरह के आइडियाज शेयर करती हूँ कि जो भी आपको इनमें से पसंद आता है तो आप स्क्रीन शॉट ले लें और उस आइडिया को फॉलो करते हुए आप अपने लिए ड्रेस बना सकते हो, अपनी साड़ी का रीयूज कर सकते हो। इस तरह की ड्रेस आप बनवा सकते हो साड़ी से। इसी तरह से एक पूरा कुर्ता सेट बनवा लें वी शेप देके, और एक प्लेन फैब्रिक लेके इस तरह से नेक लाइन बनवाएं। अलग से भी आप बनवा सकते हो ये चीज़ें दोनों, और साथ में अटैच करके भी बनवा सकते हो। जैसे भी आपको ईजी लगता है आप वैसे बना लें। तो बहुत ही प्यारा सा सेट आपका इस तरह का भी बनके तैयार हो जाए। स्लीवलेस में कुर्ता सेट इस तरह का बनवा लें, साथ में नेट का दुपट्टा या फिर जो आपका कोई भी ट्रांसपेरेंट दुपट्टा है वो आप ले सकते हो। गोटे का काम है तो भी बहुत अच्छा लगेगा। साड़ी में अगर बॉर्डर की चौड़ाई ज्यादा है तो भी बहुत अच्छा लगेगा आपका कुर्ता सेट। आप देख सकते हो इस तरह से आपके कुर्ते में पूरा बॉर्डर आ जाएगा, दुपट्टा आप ले सकते हो साड़ी में से ही, और साथ में कुर्ता निकल जाएगा सॉलिड कलर में। आप ट्राउजर में बना लॉन्ग कुर्ती बनाए इस तरह से, बॉर्डर जो है ना आपस में अटैच करके उसकी चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो आप, और उसको कट करके उसकी चौड़ाई को कम भी कर सकते हो। और अगर आप बॉर्डर की विड्थ बढ़ा रहे हो उसको अटैच करके, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपने वो ज्वाइंट लगाया है वहाँ आप लेसेस की डिटेलिंग दें। सीक्वेंस वर्क में जो लेसेस आती हैं वो आप अटैच कर सकते हो अपने बॉर्डर में। बहुत ही हैवी सा लुक आ जाएगा आपके कुर्ता सेट में। सिंपल सा कुर्ता सेट बनवा लें इस तरह से, और बीच में से ही आपके कम विड्थ का दुपट्टा भी निकल जाएगा। इसी तरह से बॉर्डर्स की डिटेलिंग दें पूरे कुर्ता सेट में, एक बहुत ही हैवी लुक में आपका कुर्ता सेट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से नेक लाइन दें आप राउंड शेप में, और बहुत सारी लेसेस जो है ना आपस में मिक्स एंड मैच करके भी आप अटैच कर सकते हो। एक जैसी लेसेस जो है बहुत, मतलब अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई वाली लेसेस चाहिए ना तो बहुत कॉस्टली मिलती हैं, तो आप बारीक लेसेस लेके उन्हें आप अटैच कर सकते हो आपस में मिक्स एंड मैच करके, तो भी इस तरह का लुक आ जाएगा बहुत ही अच्छा सा। इस तरह का प्लाजो सेट बनवा लें, कुर्ती थोड़ी शॉर्ट रखें और साथ में सॉलिड कलर में दुपट्टा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नेकलाइन वगैरह अगर आपको नहीं बनाने आती है तो सिंपल सा एक इस तरह का प्लाजो सेट बनवा लें। कॉट कलर देखें इस तरह की कुर्ती बनवा लें आप, और साथ में दुपट्टा निकाल लें एक साड़ी में से। दुपट्टा जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारी ड्रेसेस के साथ आप कैरी कर सकते हो। ये प्लाजो सेट देखिए, अंदर की तरफ आप लाइनिंग अटैच कर सकते हो डिफरेंट कलर में, या फिर आप पाइपिंग भी अटैच कर सकते हो। फ्रंट स्लेट में इस तरह का कुर्ता सेट बनवा लें। आप देख सकते हो प्लाजो भी लूज है, उसी तरह से कुर्ती भी लूज है। नेक लाइन पे आप बॉर्डर्स की डिटेलिंग दें, सीक्वेंस वर्क में जो लेसेस आती हैं वो आप अटैच करवा लें। इस तरह का स्टाइल भी आप फॉलो कर सकते हो। इसी तरह से आप ब्लेजर और साथ में प्लाजो बनवा लें, आपका बहुत ही प्यारा सा आउटफिट तैयार हो जाएगा। और साथ में आपको बॉर्डर्स की डिटेलिंग देनी है तो बॉर्डर्स भी आप अटैच करवा सकते हो। अपने प्लाजो में बॉर्डर दे दें और स्लीव्स में जो आपका ब्लेजर है उसकी स्लीव्स में बॉर्डर दें, बहुत अच्छा लगेगा। सेम आउटफिट आपको नहीं बनाना तो इस तरह से आप अपने पैटर्न के साथ मिलता जुलता फैब्रिक लेके इस तरह की ड्रेस भी बनवा सकते हो, और जो साड़ी से फैब्रिक बचेगा उससे आप दुपट्टा निकाल सकते हो, या फिर आप बना सकते हो इस तरह का ट्राउजर प्लाजो या फिर कोई स्कर्ट बनवा लें, और साथ में इस तरह की शर्ट या फिर आप टॉप के साथ कैरी करेंगे, बहुत स्टाइलिश लगेगा। तो इसको आप कुर्ती की तरह भी बनवा लें तो भी अच्छा लगेगा। कॉलर नेक दें, स्लीवलेस रखें, और कुर्ती की तरह उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा रखें। नीचे की तरफ से आप राउंड शेप दे सकते हो पल्ले में। इस तरह का शर्ट बनवा लें, आपकी साड़ी के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। विंटर्स में आप अपनी साड़ी के साथ कैरी कर सकते हो इसे, या फिर किसी ट्राउजर के साथ, प्लाजो के साथ, स्कर्ट के साथ भी इसे कैरी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अनारकली आप बनवा लेंगे बहुत अच्छी लगेगी। अंगरखा स्टाइल दें उसे, अंगरखा पैटर्न बहुत अच्छा लगता है और कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। फ्रंट स्लिट में इस तरह के अनारकली या कुर्ती आप बनवा लें, और साथ में स्कर्ट कैरी करें। अगर आप नॉर्मल छोटे मोटे फंक्शन के लिए आप वेयर कर रहे हो ये ड्रेस तो फिर आप उसको प्लाजो के साथ, ट्राउजर के साथ भी कैरी कर सकते हो। अगर उसको थोड़ा सा हैवी लुक देना है तो कोई भी ऐसी स्कर्ट जो आपके अनारकली के साथ अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाए तो वो भी आप कैरी कर लेंगे, बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह की ड्रेस भी आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। या तो आप स्कर्ट बनवा लें, स्कर्ट और टॉप को इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप बड़े आराम से कैरी कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीट एक ड्रेस बनवा लें जो आपकी साड़ी है उससे पूरा नीचे की तरफ घेर लगवा लें, मतलब बॉटम जो है पूरा आपका साड़ी से हो जाएगा, और जो अपर पार्ट है वो आप प्लेन फैब्रिक लेके उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हो कॉलर्स पे और स्लीव्स के ऊपर, या फिर लेसेस की डिटेलिंग दें, तो इस तरह की ड्रेस भी आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। और सेम ही मैं आपको यहाँ पे लहंगा भी दिखा रही हूँ। अगर आपको एक कंप्लीट ड्रेस नहीं बनानी है
तो आप लहंगा बना लें अपनी इस साड़ी से, और साथ में कोई भी ब्लाउज जो मिक्स एंड मैच हो जाए अच्छे से तो वो आप कैरी कर सकते हो। सॉलिड कलर में आप ब्लाउज और साथ में स्कर्ट बनवा लें, और ये जो आपकी साड़ी होगी साड़ी से आप बनवा लें इस तरह का शर्ग, स्लीवलेस बनवाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये अनारकली देखिए कितनी प्यारी लग रही है, इस तरह से आप कलियों में इसे कट करेंगे तो उससे जो है आप वेस्ट लाइन पे बहुत ही अच्छी सी फिटिंग आ जाएगी। और साथ में आप कोई सॉलिड कलर में ब्लाउज वगैरह भी कैरी कर सकते हो, या फिर कोई फैब्रिक लेके उसको मिक्स एंड मैच करके भी स्टिचिंग करवा सकते हो, तो इस तरह की ड्रेस भी आपकी बड़े आराम से बन जाएगी ऐसी साड़ी से। पल्लू वाला जो पोर्शन है उससे आप अपर टॉप बनवा सकते हो इस तरह से, और जो आपकी साड़ी बच गई उससे आप नीचे की तरफ घेर दें। तो सॉलिड कलर में फैब्रिक लें, सिल्क में ले सकते हो आप, उससे बना लें अपर टॉप और नीचे की तरफ आप साड़ी अटैच कर लें, चाहे प्लीट्स में हो चाहे कलियों में हो चाहे अम्ब्रेला शेप में कटिंग कर लें। ये गाउन देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इस तरह का गाउन भी आप बनवा सकते हो, या फिर इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो स्कर्ट अलग से बनवा लें और इस तरह का ब्लाउज आप अलग से बनवा लें, तो ये चीजें जो है आप मिक्स एंड मैच करके भी कैरी कर सकते हो और एक साथ में कर सकते हो। कई बार होता है कि साड़ी अच्छी होती है लेकिन उसके बॉर्डर वगैरह जो है ना वो पुराने हो चुके होते हैं, तो वो अगर आपको कट करने हैं रिमूव करने हैं तो फिर आप जो अपर पार्ट के लिए फैब्रिक ले रहे हो ना वही फैब्रिक आप नीचे की तरफ भी अटैच कर सकते हो, तो इस तरह का आउटफिट आपका बनके तैयार हो जाएगा। और जहां पे भी ज्वाइंट लग रहे हैं वहां आप लेसेस की डिटेलिंग दें, उससे वो ज्वाइंट कवर भी हो जाते हैं और आपकी आउटफिट जो है ना काफी हैवी दिखती है। बॉर्डर्स की डिटेलिंग देके आप इस तरह की गाउन या फिर अनारकली बनवा लें, बहुत अच्छी लगेगी। प्लीट्स में बनवाएं चाहे कलियों में बनवाएं, और साथ में आपको इसी तरह से बेल्ट देनी है वी शेप में या राउंड शेप में नेक दें, और साथ में लेसिस की डिटेलिंग दें, या फिर आपकी साड़ी में अगर अच्छे बॉर्डर हैं तो उन्हीं को कट करके आप इस तरह से मतलब उनकी विड्थ कम करके भी अटैच कर सकते हो। ये भी डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, इस तरह की नेक लाइन बनवाएं। अगर आप इस तरह की नेक लाइन नहीं पहनते हो तो आप राउंड शेप में भी बनवा सकते हो, मतलब आप ब्रॉड नेक बनवा सकते हो, अच्छा लगेगा। इसी तरह से बॉर्डर्स की डिटेलिंग दें, या फिर आप लेसेस ले सकते हो फ्रंट में, इस तरह से बॉर्डर्स देंगे बहुत अच्छा लगेगा। बैन नेक बनवाएं, फुल स्लीव्स रखें, और साथ में आप कोई भी स्कर्ट कैरी करें। ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो, बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है, स्टाइलिश है। साथ में आप पजामी या फिर आप साथ में ट्राउजर कैरी करेंगे, या फिर आप प्लाजो या स्कर्ट जो भी है आपके पास वो भी पहनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। या तो आप अपनी साड़ी से स्कर्ट बनवा लें या फिर अपर कुर्ती बना लें, दोनों में से कोई एक चीज आपके बड़े आराम से साड़ी से निकल जाएगी। और साथ में फैब्रिक लेके आप प्लेन या फिर मिक्स एंड मैच करके पैटर्न आप यूज कर सकते हो, इस तरह का अनारकली बनाएं, वैन नेक दें, और जो स्लीव्स हैं आपकी पल्लू वाले पोर्शन से बन जाएंगी, आपकी अनारकली इस तरह की बहुत आराम से साड़ी में से ही निकल जाएगी। इस तरह की ड्रेस भी आप बनवा सकते हो, एक दुपट्टा निकाल लें और साथ में एक ब्लाउज निकल जाएगा, साथ में एक जैकेट बनवा लें। जैकेट का डिजाइन जैसा भी आपको अच्छा लगता है, अगर लॉन्ग में बनवाना चाहते हो लॉन्ग में बनवा लें, वो आप साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, किसी भी कुर्ता सेट के साथ कैरी कर सकते हो, और साथ में ब्लाउज जो है किसी भी प्लेन साड़ी के साथ आप कैरी करेंगे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ में आपका दुपट्टा निकल जाएगा तो दुपट्टा भी आप बहुत सारी ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हो। ब्लेजर और ट्राउजर आपका बहुत अच्छा बन जाएगा इस तरह की साड़ी से, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इस तरह का आप एक ब्लेजर और साथ में ट्राउजर बनवा लें। ये ड्रेस देखिए कितनी स्टाइलिश है, बहुत ही अच्छा सा आउटफिट है, तो इस तरह का आउटफिट भी आप तैयार करवा सकते हो। पॉफी स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स हैं, कमर पे आप बेल्ट की डिटेलिंग दें, ज्यादा कुछ नहीं करना है तो एक लहंगा बनवा लें, कंट्रास्ट में आप ब्लाउज ले लें और कंट्रास्ट में ही दुपट्टा ऐड करें उसमें, बहुत अच्छा सा एक आपका पार्टी वेयर जो है ना आउटफिट तैयार हो जाएगा। अगर आप अपनी साड़ी से एक लहंगा या स्कर्ट बनवाते हो तो फिर बहुत सारे तरीकों से आप उसे कैरी कर सकते हो। आप इस तरह का टॉप बनवा लें एक सॉलिड कलर में, और साथ में उसमें जो है लेसिस की डिटेलिंग दें, हैवी सा एक ब्लाउज बनवा लें इस तरह से, या तो फिर आप उसे लहंगा की तरह यूज कर सकते हो या एक गाउन की तरह यूज कर सकते हो। लहंगाज के बहुत सारे डिजाइन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश लुक देना है तो आप अपने ब्लाउज में थोड़ा सा स्टाइल दे सकते हो, अलग अलग तरह के आप ब्लाउज बनवा लें। राजस्थान स्टाइल में आप ब्लाउज बनवा लें, कुर्ती बनवा लें अपने लहंगा के साथ तो बहुत ही स्टाइलिश भी दिखती है, या फिर आप ब्लेजर भी बनवा सकते हो। तो लहंगा जो है ना बहुत आराम से इस तरह की साड़ी का आपका बन जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ्लेयर देने के लिए बहुत चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ेंगी, जैसे कैन वगैरह आपको ऐड करनी पड़ती है, अपने आप में इसका बहुत अच्छा सा फ्लेयर आ जाता है, तो आपको बहुत सारा जो फैब्रिक है उसमें ऐड नहीं करना पड़ता है। ये स्टाइल देखिए, साथ में ट्राउजर और साथ में आपकी इस तरह की फ्रंट स्लिट में स्कर्ट है। साड़ी का कंप्लीट यूज करके आप लहंगा बनवा लें, और जो पल्लू वाला पोर्शन है उससे आप बना सकते हो ब्लाउज। अगर आपकी साड़ी हैवी लुक में है तो थोड़ा बहुत आप उस पर खर्चा करके अच्छा सा एक आउटफिट क्रिएट करवा सकते हो। खूब घेर वाला लहंगा बनवा लें आप साड़ी से। ब्लाउज के लिए आप पैटर्न मिलता जुलता ले लें, और साथ में दुपट्टा भी हैवी लें।
अगर आपकी साड़ी बहुत हैवी नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। इस तरह का ब्लाउज भी आप कैरी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक बहुत सारी ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इनमें से कोई ना कोई ड्रेस ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और इस तरह का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।